दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हाइट से रिलेटेड एक सीक्रेट बात बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके लिए ये वीडियो काफी कमाल होने वाली है। तो दोस्तों मेरे चैनल पर कई सारे कमेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी हाइट बढ़ गई है, उनमें लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, और कई सारे ऐसे कमेंट होते हैं जो कहते हैं कि मेरी हाइट नहीं बढ़ी है, और लड़कियां भी कहती हैं कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है या मेरी हाइट नहीं बढ़ी है, आप फेक वीडियो बनाते हो। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोग के साथ ऐसा क्यों होता है, आपकी हाइट क्यों नहीं बढ़ती है। अब मान लो मैं 17 साल की एज वाले के लिए वीडियो बनाया हूं और आपने क्या किया, आप 11 साल वाले यूज कर रहे हो, तो आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली है। तो मैं इसीलिए एक चीज मैं अपने माइंड में आज सोच रहा था कि आपको क्यों ना ये चीज बताऊं, इससे शायद आपकी हाइट बढ़ जाए। तो सबसे पहले एक चीज आपको करना है, आपको क्या करना है, आपकी एज कितनी है वो हमें कमेंट में बताना, और आपकी हाइट कितनी है और आपके माता पिता की हाइट कितनी है। अगर आपकी हाइट बढ़ने वाली होगी तो भी आपको मैं बता दूंगा, अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली होगी तो भी मैं आप सभी लोगों को कमेंट में मैं बता दूंगा, और रिप्लाई हर एक कमेंट का मैं दूंगा। और उसी के हिसाब से अगर आपकी एज 11 साल है तो मैं 11 साल वालों के लिए फुल डिटेल में, मतलब फुल प्रोसेस में, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी वीडियो से आप अपनी हाइट बढ़ा पाओगे। और दूसरा अगर आपकी एज 15 साल है या 16 साल है, हर एक एज की मैं आपको हाइट की वीडियो फुल डिटेल में बना के दूंगा। हो सकता है मैं कमेंट का रिप्लाई थोड़ा सा लेट में दूं, क्योंकि आप सभी लोग बहुत सारे लोग हूं, मैं अकेला हूं, तो कमेंट का रिप्लाई मैं आपको लेट में दे सकता हूं, मगर सभी लोगों को मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आप सभी लोगों को सिर्फ क्या करना है, कमेंट करना है, कमेंट में ये चीज जरूर लिखना, हर एक बंदे की हाइट मैं बढ़ा के रहूंगा, जिनकी हाइट नहीं बढ़ने वाली है उनको मैं साफ साफ मना कर दूंगा कि आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली है, आप परेशान मत हो। तो चलिएगा अब आप सभी लोगों को मैं एक चीज और बताने वाला हूं, आप सभी लोग चाहे वो 11 साल वाला हो या फिर 21 साल वाला हो, सभी लोग, लड़के हो या लड़कियां हो, सभी लोग ये सारी गलतियां करते हैं, ये सभी के लिए हैं। तो ये चीज आपको फॉलो करना है, फिर आप सभी के लिए, किसी भी एज वाले लड़की हो या लड़का हो, उनके लिए मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गलतियों के बारे में। पहली गलती है नींद कम लेना, आप लोग सोते कम हो, सोने का टाइम थोड़ा से आपको बढ़ाना है, क्योंकि अगर हाइट बढ़ाना चाहते हो तो नींद ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को लेना है, क्योंकि आप जब सोते हो तभी HGH हॉर्मोन्स निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो जब आप ज़्यादा सोओगे तो आपका HGH हॉर्मोन ज़्यादा मतलब सक्रिय होगा और आपकी हाइट तेज़ी से बढ़ेगी, तो आपको नींद ज़्यादा लेनी है। दूसरी चीज़, आप पानी कम पीते हो, पानी की मात्रा थोड़े से आपको बढ़ाना है, 4 से 5 लीटर आपको पानी प्रतिदिन पीना है। अगर ज़्यादा नहीं पीते हो तो आपको 3 से 4 लीटर तो ज़रूर आपको पानी पीना है। और जो तीसरी गलती है, आप टेंशन लेते हो, टेंशन में मैंने एक वीडियो बनाया था सोना बाबू वाली, तो आपको क्या करना है, चाहे GF की टेंशन हो या फिर अपने BF की टेंशन हो, बॉयफ्रेंड की टेंशन हो, ऐसी टेंशनें होती हैं या फिर घर की टेंशन भी होती हैं, मैं सबको हर्ट नहीं करता हूँ, ये चीज़ में आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आप हर्ट कर रहे हो, मैं ऐसा किसी के लिए नहीं कहता हूं कि आप लोग हर्ट हो। तो आपको क्या है, टेंशन नहीं करना है। और दूसरी चीज, आप सभी लोग एक्सरसाइज नहीं करते हो, खेल कूद नहीं करते हो, खेलते कूदते नहीं हो, तो आपको एक्सरसाइज जरूर करना है। एक्सरसाइज में मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो सबके लिए हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है स्पॉट स्ट्रेच। ये एक्सरसाइज जो कुछ इस तरीके से आपको करनी है जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, जंप करना है, जंप जैसा ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस कुछ इस तरीके से जंप करना है। ये सभी लोगों के लिए ये एक्सरसाइज है, तो इसका यूज़ करके, मतलब इसको करके अपनी हाइट को आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं, वो किसी भी एज की लड़की हो या फिर लड़का हो। अब बात कर लेते हैं सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में। सेकेंड एक्सरसाइज है फॉरवर्ड स्पिन स्ट्रेच। दोस्तों ये एक्सरसाइज हाइट के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। आपको कुछ इस तरीके से, आपको ज़मीन पर बैठ जाना है, बैठने के बाद कुछ इस तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है जैसा आप ये वीडियो में देख रहे हैं। ये एक्सरसाइज भी हाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो दोस्तों चलिएगा बात कर लेते हैं तीसरी एक्सरसाइज के बारे में। तीसरी एक्सरसाइज है कोबरा स्ट्रेच। कोबरा स्ट्रेच का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। कोबरा स्ट्रेच आपकी हाइट के लिए काफ़ी
अच्छी एक्सरसाइज है। तो आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से जमीन में पेट के बल लेटने के बाद इस तरीके से करनी है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। ये भी एक्सरसाइज हाइट के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। अब बात कर लेते हैं चौथी एक्सरसाइज के बारे में, जो आपकी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है और ये हाइट के लिए काफ़ी मददगार भी हो सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं चौथी एक्सरसाइज के बारे में। चौथी एक्सरसाइज है हैंगिंग। हैंगिंग सिर्फ आपको लटकना है और आपको अपने बॉडी को लटक कर हिलाना है, जैसा ये वीडियो आप सभी लोग देख रहे हैं। आपको हैंगिंग सिर्फ करनी है, लटकना है। तो आपको ये एक्सरसाइज आपकी हाइट के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको ये चीज़ गलतियाँ नहीं करनी, और कमेंट में ज़रूर बताओ और मैं सब लोगों को एक फुल डिटेल वाला वीडियो बना के दूंगा जिसमें डाइट भी होगी, एक्सरसाइज भी होगी और सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या गलतियां 11 साल वालों के लिए नहीं करनी है, क्या गलतियां 15 साल वालों के लिए नहीं करनी है और किन की हाइट बढ़ेगी किन की हाइट नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।